अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं, जैसा कि आप लोगों को टाइटल पर शो हो रहा है सामने स्क्रीन पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कैसे करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसा कि मैंने चंद वीडियोज़ पहले बैक स्टेज पर बात की थी, उसकी मदद से ना सिर्फ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर्टीज़ में डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा उस इन्फॉर्मेशन में हमारा हो सकता है ऑथर का नेम, हो सकता है सब्जेक्ट, हो सकता है कंपनी और बहुत कुछ। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में हम कुछ मेथड देखेंगे जिनकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत चेंज वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे और ये शुरू करने से पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हमारी होती हैं वो डॉक्यूमेंट के बारे के क्रिएटर के बारे में बताती हैं, जिस डेट को डॉक्यूमेंट बना है उसके बारे में बताती है, डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट, कैटेगरी, कीवर्ड जो जिनकी मदद से डॉक्यूमेंट को सर्च किया जा सकता है वगैरह वगैरह शो करती हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को एक तो तरीका ये है कि हम इन्फो से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप ना सिर्फ बेसिक हमें प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, बल्कि उसके अंदर अंदर आपको कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आती हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम इस तरह करते हैं कि अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डॉक्यूमेंट लास्ट वीडियोज़ में ओपन हुई पड़ी थी उसी को यूज़ करते हैं, और सबसे पहले हम बैक स्टेज खोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बैक स्टेज में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस तरह करता हूँ कि अपने वर्ड की डॉक्यूमेंट को खोल लेता हूँ। ये वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं फाइल को क्लिक करूँगा और उसके बाद आ जाएंगी हमारी इन्फो। ठीक है, जैसे ही इन्फो को क्लिक करूँगा तो उसके बाद हमारी यहाँ प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ को जैसे ही टैप करूंगा कि तो एडवांस प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, और वैसे भी आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह शो होंगी। ठीक है, तो जो उसके बाद मैं आप लोगों को एक और तरीका है जो प्रॉपर्टीज़ खोलने का, वो ये है कि मैं इस तरह करता हूं कि व्यू में जाता हूं और व्यूज़ के एंड पर प्रॉपर्टीज़ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही मैंने शो कर दी है, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, जैसे कि ऑथर की इन्फॉर्मेशन है वो पहले से डली हुई है, मतलब मेरा नाम डला हुआ है। टाइटल में अलबत्ता मैं डाल देता हूँ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये मैंने इस डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल दिया। ठीक है, और यहाँ आप लोग देखते होंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ कम शो हो रही हैं। ठीक है, और पहले तो मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट इसका लिख देता हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ यानी मैंने टाइटल लिख दिया। ठीक है, तो देखते होंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ कम शो हो रही हैं, तो आप शो ऑल प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो और प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। जैसे कि सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों को कह रहा था वो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को टाइप कर देता हूँ, जैसे कि हैंडबुक है। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरीज हैं, ये सारा कुछ यानी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी, या टेम्पलेट मैंने कौन सी यूज़ की, या कमेंट्स कोई डालने और टैग डालने हो तो ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, और इसके अलावा हमारे पास थोड़ी सी एडवांस प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो ये एडवांस प्रॉपर्टीज़ के साथ एरो को टैप करेंगे तो एडवांस प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी। ठीक है, और इसमें टाइटल, सब्जेक्ट और ऑथर तो लिखे ही हैं। ठीक है, अब मैं मैनेजर में लिख देता हूँ एगी। ठीक है, बैकर, और उसके बाद मैं कंपनी में लिख देता हूँ स्टार ब्राइट सैटेलाइट। ठीक है, रेडियो, और इसके बाद मैं इसके कीवर्ड्स वगैरह में भी डाल सकता हूँ, कैटेगरी वगैरह भी डाल सकता हूँ, कोई इतना इश्यू नहीं है। कैटेगरी प्रपोजल डाल देता हूँ, चले। ठीक है, और इसके कीवर्ड्स में डाल सकता हूँ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये करके मैं इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके आगे कमेंट्स में मैं लिख सकता हूँ स्टार ब्राइट प्रोपोजल। ठीक है, ओके कर दिया, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद होगी। या स्टेटस अप्रूव डाल देता हूँ, या कुछ स्टेटस भी डाल सकता हूँ। ठीक है,
तो इस तरीके से मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज डाल सकता हूँ। ये तो थी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर से एक और तरीके से प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं सबसे पहले अपने ये डॉक्यूमेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ ओपन हुई पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ ओपन फाइल लोकेशन जो है, यहाँ ओपन फाइल लोकेशन है, इसको टैप करता हूँ तो ये मेरी डॉक्यूमेंट खुल गई। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे डिटेल्स में ये सारी प्रॉपर्टीज़ शो हो जाती हैं। इनको मैं थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इंटर की हुई है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट भी पहले से ओपन हुई पड़ी है तो मेरे लिए इसे एडिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करके काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव भी कर सकता हूँ, डाल भी सकता हूँ, ठीक है। तो अब चूँकि मैंने वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन की हुई है तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज नहीं होगी क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट रीड ओनली बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि राइट इसके अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट्स की, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज वगैरह करने का, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में ये हो सकता है कि किसने डॉक्यूमेंट टाइप किया है, इसका टाइटल क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसके मैनेजर कौन है, इसकी कंपनी क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं जिनको मदद से हम सर्च करते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो पुराने वर्जन है वहाँ आप फाइल पर जाएंगे और वहाँ से उसके नीचे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग वगैरह और कुछ एडवांस टॉपिक करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।